ये बाइक मॉडिफाई होने वाली है, पूरी 15 दिन के अंदर बन के रेडी होगी और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा इसका सोर्स लूँगा। तो बाइक एकदम 0-0 हो चुकी है, तो देखते हैं अभी इसको मॉडिफाई करवाएंगे और मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इंजन का काम सब कुछ बाकी है भाई, गाड़ी 0 है, तो देखते हैं आगे। तो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम टू चैनल सेजू ब्लॉग। तो हम लोग फिर से एक बार और आ चुके हैं मिर्ज़ापुर में और ये जो वीडियो है थोड़ी डिफरेंट बनने वाली है। हम लोग ने भाई ये एक यूनिक बाइक है और आज तक मैंने भी बाइक नहीं देखा हूँ, तो ये बाइक देख लो। ये बाइक मॉडिफाई होने वाली है, पूरी 15 दिन के अंदर बन के रेडी होगी और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा इसका सोर्स लूँगा। तो बाइक एकदम 0-0 हो चुकी है, तो देखते हैं अभी इसको मॉडिफाई करवाएंगे और मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इंजन का काम सब कुछ बाकी है भाई, गाड़ी 0 है। तो ये वाली बाइक को लगेंगे 15 दिन टोटल, आप लोग ने देख लिया एकदम 0 हो चुकी है। कितना खर्चा आएगा इसमें? 35 से 40 हज़ार। तो ये पूरी वीडियो आप लोगों को देखना है, काफ़ी दिनों लग जाएंगे इसको बनाने में, 35 से 40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। और ये हमारे पीछे खड़े हैं भाई, ठीक है, आप कहाँ से हैं भाई? मैं नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हो? आयो नहीं, मैं यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, ट्रांसफर हुआ है। तो भाई ने ये वाली बाइक लेके आए स्प्लेंडर, जिसको अभी पूरा न्यू सेम टू सेम नया लुक देंगे स्प्लेंडर का ही। तो और ये एक्टिवा देखो एकदम नई हो गई है, और पीछे वाली जो एक्टिवा है वो देखो, तो वो भी मस्त हुई है। तो हटो, देखो वो वाली एक्टिवा भी जबरदस्त हुई है, ठीक है। तो अभी तो CD100 पे स्प्लेंडर बना है। ये देखो CD100 है उसके अंदर स्प्लेंडर, इसको पूरा CD100 पे स्प्लेंडर बनी हुई है, वो 1995 का मॉडल है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये और ये वाली गाड़ी भी एकदम 0-0 थी, ये भी मॉडिफाई हो रही है। तो जो हमारी उधर लास्ट पड़ी हुई है उसको मॉडिफाई करेंगे। और ये वाली देखो एक्टिवा के अंदर कलर हुआ जबरदस्त, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बने रहो, वीडियो के अंदर बने रहो। और ये देखो KTM का पार्ट्स लेके कहीं जा रहे हैं, जल्दी कहीं मिलता नहीं है, इनके पास मिल जाएगा, आप लोग मिल जाएगा भाई KTM का पार्ट, ठीक है। तो अभी कोई भी KTM का पार्ट मिल जाएगा। तो अभी भाई वीडियो के अंदर बने रहो, अभी कल इसका काम खुलेगा, फिर और वीडियो बनाऊंगा आप लोग। तो भाई हम सोच रहे हैं कि हम डेली ब्लॉग कर रहे हैं हमारे मेन चैनल पे, और वहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, देख रहे हो, बाइकर्स पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो। तो अभी मैंने जस्ट ये वन प्लस का नेक बैंड ख़रीदा है। अभी इससे पहले मैंने नेक बैंड ख़रीदा था, तो हमारा जो नेक बैंड था वो किसी ने चुरा लिया या पता नहीं गायब हो गया है, तो ये नया वाला नेक बैंड लिया। नया वाला जो नेक बैंड है भाई पुराने वाले से काफ़ी बेटर है, और इसकी जो साइज़ है ना ये वाली, ये छोटी हो गई है, काफ़ी बढ़िया हो गई है, ठीक है। उसका साउंड एक नंबर है। तो अगर आप लोग नेक बैंड वगैरह लेने जा रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा वन प्लस के अलावा कोई भी नेक बैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक साल की तो वारंटी आती है इसके अंदर। तो आप लोग भाई यही वाला नेक बैंड लेना। फिलहाल यहाँ पे हम लोग डेली व्लॉग चालू करने का इसलिए सोचे कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो हम सोचे कि क्यों ना डेली व्लॉग चालू किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको CD Deluxe दिखाता हूँ भाई, CD100 काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये हमारे भाई लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं इसके पीछे, तो ये हमारा मिस्टर है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, हमारा अमन है। ये हमारे भाई, आपका नाम? सुलेमान। अमन, सुलेमान, और ये शक्तिमान। भाई क्या कर रहे हो? इंजन बना रहा हूँ। इंजन बना रहा हूँ भाई साहब, देख रहे हो, इंजन बना रहे हो। डिग्री किए हो क्या? पढ़े हुए हो क्या? डिग्री वगैरह कम्प्लीट है क्या? है, अच्छा सीखे थे। तो देख रहे हो यार, डिग्री की ज़रूरत नहीं है इंजन बनाने के लिए। यहाँ पे भाई इंजन बना रहे, तो मैं दिखाता हूँ कि इंजन बनता कैसे भाई। क्या कितना टाइम लगता है इसको खोलने में और बंद करने में? एक दिन में खोल के कंप्लीट। क्या बात है, देख रहे हो भाई, ये इंजन एकदम क्लीन है भाई, साफ कर दिया एकदम इंजन, देख रहे हो एकदम क्लीन। इसको जब आपने खोला होगा तो बहुत गंदा होगा, बहुत गंदा। तो ये किसका इंजन है? CD Deluxe का, स्प्लेंडर का। भाई देख रहे हो स्प्लेंडर की हालत ख़राब हो गई है, देखो ये भी स्प्लेंडर है, ये स्प्लेंडर को CD100 बनाया हुआ है, ये भी, ये कौन सी है? पल्सर 135 CC भाई। और ये इसका इंजन ये रहा, देखो मैं दिखाऊँ कितना गंदा है, वॉशिंग में जाएगा, देखो कितना गंदा है भाई। तो ये सेम टू सेम इंजन भाई पूरा खोल लेते हैं और भाई पूरा बंद कर देते हैं, तो इंजन का स्पेशल काम करते हैं। वाह भाई वाह। तो यहाँ पे देखो एकदम जबरदस्त, आप लोग ने कभी देखा हुआ ऐसा इंजन खुला हुआ? तो यहाँ पे भाई ने खोल दिया है और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। वाह भाई वाह, अभी तो पूरा काम बाकी है ना? नहीं, अभी तो काम बाकी है।
अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्टिवा। अभी दो दिन पहले एक्टिवा के अंदर है ना फुल दो एक्टिवा मैंने देखा था जिसके ऊपर कलर जबरदस्त हुआ था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डेली व्लॉग करूँ और आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँ। तो ये जो एक्टिवा के ऊपर येल्लो कलर हुआ है, ये देख रहे हो कलर एकदम ऐसा लग रहा है ओरिजिनल कवर है भाई। ये कवर मतलब जो कलर है ना ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है, बहुत मस्त लुक आ रहा है देखो नया कलर एकदम। मैं इसकी प्राइस अगर इमरान भाई से पूछूं तो इसकी प्राइस पूछता हूँ। तो यहाँ पे हमारी KTM खड़ी है, ठीक है इमरान भाई, ये कलर का कितना खर्चा हुआ होगा? कलर के 4500 रुपये। 4500 पूरी गाड़ी? कोई भी गाड़ी लिया, कोई भी नहीं, एक्टिवा स्प्लेंडर जैसा गाड़ी के हिसाब से। बुलेट का थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा, बुलेट का अलग अलग रेट है, बराबर अलग अलग रेट जैसा हो कलर जैसा हो। तो मेरी KTM पर अगर करना हो तो? अपनी KTM पर करना तो 8000 रुपये खर्चा हो। 8000 रुपये कलर? कलर मेक व्हील वगैरह सब आ गया, सब आ गया, जैसा कलर चाहिए वैसा। तो अभी सोच रहे हैं कभी हम लोग अगर KTM पर करवाएंगे तो कलर करवा लेंगे। फिलहाल यहाँ पर कब सब काम चालू है और हम आए थे थोड़ा इमरान भाई से काम करवाने। और ये कैफे रेसर, ये पल्सर, इसको भी टोटल इंजन वंजन बना के कैफे रेसर मॉडिफिकेशन कर। ये वाली दिखाया 135cc पल्सर, ये वाली कैफे रेसर इसका बन रहा है। तो मैं डेली अपडेट्स दूंगा और डेली वीडियोस बनने वाली हैं गाइस। तो ये जो बाइक आप लोगों ने देखी ये डेली किस तरीके से बनेगी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को बने रहना है और भाई साहब बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो आज का ये पार्ट 1 था हमारी बाइक का। तो इसी तरीके से हम लोग 15 दिन मतलब जब तक पार्ट हमारा चलेगा मैं आपको दिखाते रहूँगा ये वाली बाइक जब तक बनते रहेगी। तो स्पेशल मैं आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे आऊँगा और डेली व्लॉग्स बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देखो और लाइक करो और मज़े करो। तो यहाँ पे हमारे भाई हमारे साथ हैं जो हमारी वीडियो देख के आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग देखते हैं हमारी वीडियो, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं मज़ा आएगी वीडियो मतलब यहाँ पे बाइक मॉडिफाई कराने में। तो भाई से थोड़ी बात करते हैं। भाई आप कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मेरा ट्रांसफर होते रहता है, ताकि मैं बैंगलोर था, गाड़ी बैंगलोर जाके। पुलिस में तो नहीं हो? नहीं नहीं पुलिस में नहीं हूँ। अच्छा, तो अभी अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ, अभी 1.5 साल से मैं आया हूँ जी। तो बाइक को अभी ऑलमोस्ट मेरे 20 साल हो गए। 20 साल? 20 साल हो गए ये वाली बाइक को। 20 साल भाई साहब? 2002 का मॉडल है। 2002 का मॉडल? तो दो बार तो मेरे मन में आया था कि बाइक चेंज लेनी है लेनी है, लेकिन ये बाइक छूट नहीं रही मेरे से। अच्छा, तो बोले अभी इसको रिस्टोर करते हैं। और ये पापा की बाइक थी। तो कितना खर्चा बताया इमरान भाई? अभी ज़्यादा नहीं, 6000 रुपये खर्चा बताया इसका। 6000 रुपये नया करने में एकदम? इसके पार्ट चेंज करेंगे और पेंट करके देखें बोले 6000 रुपये। ये जो यामाहा आप लोग देख रहे हो डेड यामाहा, इसके ओनर हमारे साथ हैं, भाई अंदर बैठे हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं। भाई ये गाड़ी की हालत ऐसी कैसे हो गई आपकी जो यामाहा है? मतलब गाड़ी की हालत तो पहले से ऐसी थी, मैंने यानी एक दूसरे भाई है उनसे खरीदी जी। तो कितने में खरीदी आपने? मेरे को 5500 में वो गाड़ी मिल चुकी है। ऐसी डेड हालत? ये डेड हालत में मुझे 5500 में मिली है जी। और यहाँ पे मैं अभी मॉडिफिकेशन के लिए डालने की बात करने आया हूँ। तो ये कितना रुपया खर्चा बता? अभी डिसाइड नहीं हुआ, वही डिसाइड करने के लिए आया। आपकी वीडियो 15 दिन के अंदर जो भी आपकी बाइक 15 दिन में बनने वाली है, 15 दिन के 15 व्लॉग्स आने वाले हमारे चैनल पर, आपकी बाइक धीमे धीमे कैसे रेडी होती मालूम है? ठीक है, तो देखेंगे यार। और क्या अच्छा है, फीचर हो रही है हमारी बाइक, क्या बात है। तो यहाँ पे भाई की भी बाइक रेडी हो रही है, बहुत सारी बाइक डेली यहाँ पे बनते रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स दूँ। और यार कुछ डाल तो रहा नहीं हूँ चैनल पे, तो सोच रहा हूँ यही डाल दूँ ताकि आप लोग भी इन्जॉय कर सको कि मैं डेली करता क्या हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं जाने वाला हूँ DXB टेलीकॉम के अंदर और वहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा जो 13 Pro Max है वो इतना लेग क्यों कर रहा है या इसका कैमरा चोंट क्यों रहा है। तो अभी वहाँ चलते हैं और बात करते हैं हमारे किरण मैम से। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अभी DXB पे और किरण अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको मिलाता हूँ, मॉडल है भाई सब मॉडल, ठीक है। तो ये DXB का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना DXB का वीडियो। और हमने अपना iPhone 13 Pro Max यहीं से परचेस किया था। तो यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं जिन्होंने हमको ये दिया था। कैसे हो भाई? देख रहे हो एकदम डील चालू है, अभी फ़ोन बेच रहे हो। ये हमारी मॉडल, किसी को भी अगर शूट करवाना हो तो यहाँ पे मॉडल रेडी है, आप लोग करवा सकते हो, एकदम जबरदस्त लुक आएगा। भाई मैं तो जॉब करती हूं। जॉब करती है कहां पे? DXB में? DXB टेलीकॉम। गाइस अगर आपको अपने बजट में फोन लेना है तो DXB आइए।
ठीक है, तो अभी सबके सामने हमारी बात नहीं करनी है, ठीक है? तो पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि रिजल्ट क्या आया, ठीक है? अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है। DXB के अंदर अभी किरण ने हमारे लिए चिकन पॉपकॉर्न मंगाया है और हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, और अभी ये जा रही है दूसरी ऑफिस पे ये पॉपकॉर्न देने के लिए। देख रहे हो मस्त बाल वाल खोल के। तो किसी को भी मॉडल की ज़रूरत हो तो इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, आप लोग कॉल कर लेना। ज़बरदस्त मॉडल है और मेरे फॉलोइंग में भी किरण है, ठीक है? तो यहाँ पे ये रहा हमारा चिकन पॉपकॉर्न, ठीक है? खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये चिकन पॉपकॉर्न आ गया और ये हमारा मायोनीज और ये तीखी चटनी। वाह, तो आप खाते हैं इसको।